हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम लेंगे कमोडिटी मार्केट के अपडेट्स। कमोडिटी मार्केट के अपडेट्स, आज की रणनीतियों के ऊपर बातचीत करने के पहले, हमने शुक्रवार को क्या रणनीतियां बनाई थी, क्या कैरी फॉरवर्ड किया था पोजीशन को, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कहां पर प्रॉफिट हुआ, कहां पर लॉस हुआ, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हमारे बंसी जी हमारे एक फॉलोअर हैं, उनका आज बर्थडे है, आज या कल था उनका बर्थडे, तो उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे अचिन जी हैं जो इक्विटी के हार्डकोर फॉलोअर हैं, उनको भी उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 30 तारीख को फ्राइडे को लास्ट बर्थडे था, मैं भूल गया उनको विश करना, तो मुझे कह रहे थे व्हाट्सएप में मैसेज करके कि मेरा बर्थडे था, आप लोग आपने विश ही नहीं किया। आपको और आपके परिवार को, बंसी जी और अचिन जी दोनों को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रक्षाबंधन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ, बात करता हूँ कि फ्राइडे को हमने क्या रणनीतियाँ बनाई थी। क्रूड को 2980-2985 के आसपास बाय करने कहा था, 2960 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करना था और 3035 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये अपनी लास्ट 31st की 2978 के आसपास बाय करना था, 2949 का स्टॉप लॉस था सॉरी, और टारगेट 3035 के एक्सपेक्ट कर रहे थे। क्लोजिंग का रेट 3035 का था, तो क्रूड में मोटा माटी आप लोगों ने वीडियो देखकर 5700 रुपये के आसपास का मुनाफा बुक किया होगा। नेचुरल गैस को बाय करने कहा था 134 के आसपास, 134 तक तो नहीं आ पाया, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया बाजार का, तो नेचुरल गैस की कोई एंट्री नहीं ली है। गोल्ड को आप लोगों को बाय करने कहा था 52800-52900 के आसपास, 53050 तक आया था। देखो जिस दिन ये अपन ने बाइंग का सोचा कि यहां से बाय करना चाहिए, उस दिन 53050 तक आया, 700 रुपये से बाजार 50 रुपये तक आया। नहीं तो ऑर्डिनरी डेज में, अदर डेज में बराबर 500-700-800 रुपये तोड़ रहा था, लेकिन उस दिन इसने लो नहीं तोड़ पाया और बाज़ार वहां से करीब करीब 500 पॉइंट ऊपर है। खैर कोई बात नहीं, दूसरी जगह चांस मिला था। सिल्वर को बाय करने कहा था 64050-64500 के बीच में, 63950 के आसपास आया था बाजार, तो वो एक पोजिशन हमारा अभी तक होल्ड है जिसके हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे 66000 रुपये तक के। आज का हाई इसका 65950 तक लगा दिया है, एक वो पोजीशन हमारी कैरी फॉरवर्ड में है। दूसरा कॉपर में आप लोगों को कोई एग्जीक्यूशन नहीं बताया था। चलिए बात को आगे बढ़ाता हूँ कि अभी हमारी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन सिल्वर में है, बाकी कोई पोजीशन नहीं है। क्रूड में मुनाफा बुक कर चुके हैं, नेचुरल गैस में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ था। पूरा वीडियो देखिए, पहले मैं बात करूँगा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की, फिर आखिरी में बात करूँगा ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स की जहाँ से बाजार अपना ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तो वो पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जो बहुत लंबी तेजी के लिए बैठे हुए हैं उन लोगों को अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके वहाँ तक करना होगा, और जो लोग एंट्री चाहते हैं उन लोगों के लिए भी वो शायद मददगार साबित हो जाए। चलिए बात करता हूँ क्रूड ऑयल की। क्रूड अभी चल रहा है 3028, इसका हाई पोस्ट हुआ है 3029 का, अभी हाई पे खड़ा हुआ है। इसका लो पोस्ट हुआ है 2976 का, इसके सपोर्ट निकल के आ रहे हैं 3000, 2962 और 2924, रेजिस्टेंस निकल के आ रहे हैं 3037, 3057, 3065, कर क्या सकते हैं 2980। वैसे हालांकि मेरे पास फ्राइडे का ही नहीं, आज मॉर्निंग में मैंने क्रूड बाय करवाया हुआ है 2980, वापस से 2980 के आसपास एंट्री करवाई हुई है और वो उनकी पोजीशन होल्ड है। देखिए अगर आप लोगों को भी बाजार, मैं लेवल अपडेट कर देता हूँ, वो बाजार वहाँ तक मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। 2980-2985 के आसपास बाय करिए, 2960 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 3055 के। ये पोजीशन ऑलरेडी रनिंग पोजीशन है, अगर वापस से बाजार करेक्ट होकर आप लोगों को भाव मिलता है तो आप लोग ये पोजीशन को उठाइएगा, ये मॉर्निंग में ही दिलवाया था। दूसरा जो लोगों का ऑलरेडी बाय है वो 3035 तक के टारगेट में, 3035 का एक रिवाइज टारगेट किया है, तो 3035 में प्रॉफिट बुक हो जाएगा। तो एक व्हाट्सएप की परफॉर्मेंस शीट और टेलीग्राम की परफॉर्मेंस शीट अलग बनती है, वहाँ पर ही एंट्री की हुई है। अगर ये वापस वहाँ ये 35 का हाई पोस्ट करके वापस से नीचे के लेवल में आता है तो मैं वापस से एक नई एंट्री आप लोगों के लिए MCX कंसोलिडेटेड करके एक शीट बनाता हूँ, वहाँ पर डालूंगा, तो दो अलग अलग एंट्री होगी। अगर टारगेट अचीव नहीं करता, वापस से भाव एक वापस से बाइंग रेंज में आता है तो मैं एक एंट्री को शिफ्ट कर दूंगा MCX कंसोलिडेटेड में, व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दूंगा। तो ये हुई हमारी क्रूड की रणनीति। बात करता हूँ नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस अभी चल रही है 144.10। नेचुरल गैस भी वीडियो अपलोड करते हैं कि 5 मिनट पहले एक एग्जीक्यूशन हुआ है, 144.90 का इसने हाई पोस्ट किया है, 136 का इसने लो पोस्ट किया है। मैं आप लोगों को कह रहा था ये बाजार घूम चुका है, ये बाजार घूमने की कगार पे, या फिर ये बाजार डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और देखिए आज गैप अप ओपनिंग मिल गई।
142.90 का पहला सपोर्ट है, 142.20 का पहला सपोर्ट दूसरा सपोर्ट है, 140.70 का तीसरा सपोर्ट है। रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं 145.90, 149.50 और 156.50। सपोर्ट बहुत नज़दीक है, रेजिस्टेंस बहुत दूर दूर है, तो बाजार को एक अच्छी तेज गति से अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, कर क्या सकते हैं। 142-143 के आसपास बाय करिए, ये मैंने अपडेट किया हुआ है। 143 अभी 5-7 मिनट पहले भाव आके गया था, तो वो एक्टिवेटेड कॉल एक्टिवेट हो चुका है। आप लोगों को भी अगर 142-143 की रेंज में मिले तो बाय करिए। 140.40 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 145.80 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात करता हूँ गोल्ड की, गोल्ड अभी चल रहा है 53,651, इसका हाई पोस्ट हुआ है 53,731 का, लो पोस्ट हुआ है 53,429। इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 53,590, 53,385, 52,880। रजिस्टेंस नज़र आ रहे हैं 53,815, 54,035, 54,666। कर क्या सकते हैं, 53,590 और 625 के बीच में मिले तो बाय करिए। 53,549 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, टारगेट 53,800 के। दूसरी स्ट्रेटजी, अगर ये स्टॉप लॉस हो जाता है तो 53,375 और 415 के बीच में वापस से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं, 53,299 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, 53,800 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि 53,800 तक के तो भाव लगते हैं। दूसरा सिल्वर, सिल्वर अभी चल रही है 65,700, इसका हाई पोस्ट हुआ है 65,951 का, लो पोस्ट हुआ है 65,319 का। इसके सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 65,270, 64,500 और 63,500। रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं 66,000, 66,420 और 67,900। अभी तो इसमें कोई कॉल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी होल्ड पे पोजीशन 66,000 के टारगेट के लिए बने रही है। कॉपर, कॉपर अभी चल रहे हैं 50,640, कॉपर का हाई पोस्ट हुआ है 507 का, लो पोस्ट हुआ है 499.20 का। कॉपर के सपोर्ट नज़र आ रहे हैं 50,370, 50,230 और 50,130। रजिस्टर नज़र आ रहे हैं 50,760, 50,890 और 511.10, 511.80। 50,250, 50,350 के बीच में मिलता है तो बाय करिए। 50,120 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, 50,750 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हुई हमारी कमोडिटीज़ के इवनिंग के सपोर्ट रेजिस्टेंस और क्या करा जा सकता है उसकी बातचीत। अगर आप में से कोई मेरे वीडियोस देखकर कुछ एग्जीक्यूशन करने का मन रखा है या फिर करना चाहता है या फिर कर रहा है तो पब्लिक टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, ताकि अगर मार्केट में कहीं पहले प्रॉफिट बुक करना होता है या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता है या फिर कोई पोजीशन एक्टिवेट होती है तो मैं वहाँ पर वीडियो में बोली हुई बात से रिलेटेड सारे पोस्ट वहाँ पर करता हूँ। अब मैं बात करूँगा कमोडिटी के ट्रेंड्स कहाँ कहाँ से चेंज हो सकते हैं। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 3031। क्रूड ऑयल का ट्रेंड एकदम से जो तेज़ी पकड़ेगा वो 3112 के ऊपर पकड़ेगा। अभी जब तक 3112 के नीचे चल रहा है तब तक हो सकता है 2950 और 3100 तक की रेंज पकड़ के रखे। ओवरऑल ट्रेंड अप है। नेचुरल गैस जब तक 139 को अब नहीं काटती है तब तक इसमें मंदी की अपेक्षा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है बाजार आगे तेज गति में बढ़ने लगे ऊपर के साइड में। ओवरऑल ट्रेंड अप है। गोल्ड जब तक 52,300 के ऊपर अगस्त वायदा जब तक चल रहा है तब तक तेजी वालों को घबराने की कोई बात नहीं है। अभी परसों तक मैं 49,500 के भाव का ट्रेंड रिवर्सल बोल रहा था या फिर ऐसा पॉइंट बोल रहा था जहां से बाजार पलट सकता है। अब वो फिगर 52,300 का हो गया है। 52,300 के फिगर को ध्यान रखिए। अपने स्टॉप लॉस को जिसने भी 44,000-45,000 रुपये के आसपास का अगर बाय पकड़ के रखा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 52,300 का कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अप है। सिल्वर अभी जब तक 60,000 के ऊपर चल रही है तब तक तेजी वालों को घबराने की कोई बात नहीं है। 60,000 को ब्रेक करती है कन्विंसिंगली तो हो सकता है बाजार डायरेक्शन चेंज कर ले। ओवरऑल ट्रेंड अप है। कॉपर जब तक 496 के ऊपर चल रहा है, अगस्त वायदा जो नया वायदा चालू हुआ है 496 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक मंदी की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए। करेक्शन में ऊपर नीचे कर सकता है। ओवरऑल ट्रेंड अप है। तो कमोडिटीज़ के सबके ट्रेंड अप है। बस बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वीडियोस, देखते रहिए ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट, देखते रहिए सपोर्ट रेजिस्टेंस और बनाते रहिए मुनाफा। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो धपाक से एक लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी
मेरे द्वारा बताई हुई रणनीतियों को एग्जीक्यूट करके बना सके मुनाफा। जो लोग मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं उन लोगों को मेरा तहे दिल से शुक्रिया। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी सारी सोशल मीडिया की लिंक होती है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं मेरी बताई हुई रणनीतियों को। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फीडबैक का फॉर्म, कमेंट बॉक्स में एक फीडबैक का फॉर्म होता है, आप चाहें तो उसे क्लिक करके हमें फीडबैक भी दे सकते हैं ताकि हम अपनी सेवाओं में और सुधार कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।